हर हर महादेव। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट आउट देयर इन देयर लाइफ एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो लॉकडाउन है उसे एक्सटेंड कर दिया है 26 मई के लिए। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है इन ऑर्डर टू कंटेन COVID-19, क्योंकि अभी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम अपने घर पे रहे, हेल्दी रहे और सेफ रहे। तो मैं बस ये बात आप सब लोग को कहना चाहूँगा जो लोग सिटीज़ में रह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है घर से बाहर निकलना। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन है कि हम इस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते, हम बस इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो बेटर हमारे लिए यही रहेगा कि हम घर पर रहे और बाहर नहा निकले। तो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ स्प्रेडिंग सम पॉजिटिविटी अराउंड। इसीलिए अब मैं रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा मेरी वीडियोस देख के पॉजिटिव फील करें और आप लोग को थोड़ा मूड, आप लोगों का, सब लोगों का मूड अपलिफ्ट हो कहीं ना कहीं। सो आई एम ऑन फॉर इट एंड आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। लेट्स सी अब आगे और क्या होगा। तो आज जैसे कि संडे है तो इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था करने को। तो अभी मैं यहाँ अपने घर के नीचे ही आया था खलियान में, तो बस अभी मैंने थोड़ी देर झूला। तो इस झूले के साथ बहुत ही हमारी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये झूला कैसा है। ये जो पेड़ है ये पेड़ नाशपति का है, और जब हम सब लोग छोटे होते थे बचपन में, मैं और मेरे कज़न, हम सब लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पर खेलते थे। और यहीं से ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है खलियान की तरफ। तो खलियान में हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ है, लेकिन अब खलियान कोई ज़्यादा आता नहीं है। ये पुराने टाइम में लोग आते थे यहाँ पे, जब मेरे दादाजी होते थे तो यहाँ पे हम अपनी गाय बांधते थे इस वाले पॉइंट पे, ओबरे से जब बाहर निकालते थे। तो अब ये थोड़ा यहाँ पे बहुत सारा ग्रास उग चुका है, तो क्योंकि अब ये यूज़ में नहीं है ना, मैं भी ज़्यादा नहीं आता, बट मैं यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा अच्छा फील करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। तो और ये जो घर है ये घर हमारे नेपाली भैया का है जो अभी यहाँ पर नहीं है। तो अभी मैं नाल आ चुका हूँ, थोड़ा काम था यहाँ पर, कल स्प्रे करनी है तो उसके लिए ड्रम भरने। तो आई थॉट कि आज धूप भी एक तो बहुत ज़्यादा है यार, तो यहाँ पे ड्रम भरता हूँ और कल स्प्रे करनी है, तो मेरे लिए इजी रहेगा, सुबह की जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और फिर देखते हैं और बाकी क्या होगा। अब जब गांव में आया यार तो खेत तो आएंगे और खेतों के काम तो करने पड़ेंगे। सो तो फाइनली अभी मैं वेट कर रहा हूँ जब तक ड्रम भरेगा। तो आई थॉट आई शुड सिट हेयर एंड आई शुड टॉक टू यू, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी सोच रहा था अभी कि अभी जो हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आई पॉजिटिवली बिलीव दैट कि विल डेफिनेटली ओवरकम दिस पेंडेमिक वेरी सून, द ऑलमाइटी शिवा विल हेल्प अस एंड विल डेफिनेटली फाइंड अ वे। तो अभी इतना ज़्यादा सोच के और कुछ करके हम कहीं ना कहीं हम कुछ अभी कर ही नहीं सकते, बस हम अपनी तरफ से प्रिवेंशन ले सकते हैं और थोड़ा सेफ रह सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। बट वी कैन, ऑल वी कैन डू इज़ दैट वी कैन स्टे पॉजिटिव एंड वर्क ऑन आवरसेल्फ्स, ताकि हम थोड़ा हमारा अपना जो माइंड है उसको डाइवर्ट करें। मैं ये भी सोच रहा था कि अब मैं जैसे रोज़ ही खेत आ रहा हूँ, तो अभी मैं सोच रहा कि बच्चों अब रोज़ यही दिखाएगा कि ब्लॉगिंग में कि भाई मैं आज यहाँ आ गया हूँ, मैं आज बाननी आ गया हूँ, मैं खेत आ गया हूँ। तो अभी हम और कहीं जा भी नहीं सकते। अब जैसे मैं गांव में हूँ तो गांव में सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि हम खेत जाए, थोड़ा घूमें फिरें। तो घर पे रहने से अच्छे कि खेत जाए और थोड़ा घूमें भी और काम भी हो गया। सो कहीं ना कहीं ऑल ओवर डेवलपमेंट हमारी है। सो आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव दैट कि सेल्फ डेवलपमेंट जो मेरा हमेशा से एक टारगेट रहा है अपनी ऑडियंस को भी बताने के लिए और ख़ुद के लिए भी, कि
जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस विद यू गाइस। अभी वैसे भी इतनी नेगेटिविटी से हम घिरे हैं, सो आई थॉट ऑफ स्प्रेडिंग सम पॉजिटिविटी अराउंड। तो आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि आज वीडियो रहने देता हूँ बनाना, तो क्या करूँगा ऐसे वैसे, बहुत सारे थॉट्स थे, बट मैंने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि आई शुड गो आउट, एंड मतलब एवरी डे आई एम टेकिंग अ न्यू डिसीजन टू गो आउट। तो कहीं ना कहीं मैं जैसे अपने खेत निकल जाता हूँ या कुछ ना कुछ काम होता ही होता है ऑब्वियसली खेत का करने को, तो बेटर है कि मैं वो काम करूँ, उस काम को इग्नोर ना करूँ, क्योंकि लाइफ में हम बहुत चीज़ें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो दैट इज़ नॉट द वे। हमें हर डिसीजन लेना चाहिए और हमें एक्शन में बिलीव करना चाहिए, आई पर्सनली बिलीव, क्योंकि पहले मैं बहुत लेज़ी होता था, बट कहीं ना कहीं अब मैंने अपने आप को जो अब मेरी लेज़ीनेस थी उसको ओवरकम कहीं ना कहीं कर दिया है। सो आई एम ऑल्सो इन अ परस्यूट ऑफ बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और यही मैं चाहता हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस हो गए मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा और कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। फाइनली ड्रम भर चुका है, नलके को बंद करते हैं, तो काम हो चुका है, अब घर चलते हैं। अभी हम अपने घर के पास, एक नाल्टू है, कल आपने नाल्टू देखा होगा, तो कल मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने आपको इस नाल्टू के बारे में बताया नहीं। मेरी दादी माँ बोल रही थी एकदम से कि भाई पानी ला और बैडमिंटन खेलने जाना था, सो आई थॉट कि अभी मैं अपनी बॉटल भर रहा हूँ यहाँ से। ये बहुत फ्रेश पानी है, ये बचपन से नाल्टू हमारे को फीड कर रहा है पानी, बहुत पुराने टाइम से है ये, और इस पानी का जो टेस्ट है ना वो मैच ही नहीं कर सकता कहीं पे। बस मैं जब भी खेत से आता हूँ मैं यहाँ आता हूँ, पानी भरता हूँ, मुंह धोता हूँ, आराम से फ्रेश होता हूँ और फिर घर चलता हूँ। तो घर के अंदर आ चुका हूँ मैं, अब देखते कुछ करते हैं। क्या थी सुबह से लेकर आज तो कोई अता पता ही नहीं आपका सुबह से। यार आज तो भाई आज सुबह पहले थोड़ा लेट हो गया उठने में, फिर बड़ा बोरिंग सा लग रहा था क्या करूं। मैंने कहां थे अभी तक? यार खेत गया हुआ था थोड़ा, कल स्प्रे करनी है तो मैंने सोचा ड्रम भर देता हूं, थोड़ा सही हो जाएगा। सीन तो बता। हां ड्रम तो भर दिया यार। मैं क्या बताऊं यार, ऐसे ही है, आज का दिन तो बोर ही है, तेरे खिला दो कुछ टेस्टी सा यार। अच्छा यार थक गया हूँ मैं यार। तो अपने छोटे भाई को नहीं खिलाओगे यार? देख तो मैं कभी कभी बोलता हूँ खिलाने के लिए और फिर आप, ये नहीं बड़ी बात। नहीं नहीं खिलाएंगे यार, हद है। तो फाइनली अब कपड़े चेंज करने के बाद, जैसा अंकित बोल रहा था कि भैया कुछ बना दो, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बना रहा हूँ शाही पनीर। तो अभी जो है मैं उसकी प्रेपरेशन कर रहा था, तो यहाँ देखो मैंने पनीर क्यूब्स में काट लिए हैं और यहाँ पे अनियंस, रॉ चॉप्ड अनियंस और टमेटोस, और यहाँ पे कोरिएंडर और हरी मिर्च। तो अभी इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, अब मैं बनाऊँगा ग्रेवी। तो ये हम ऑयल डालेंगे, हरी मिर्च में थोड़ी ज़्यादा डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है और अंकित भी स्पाइसी ही खाता है, मैं कभी कभार ही स्पाइसी बनाता हूँ वैसे। तो अब मैं इसमें डालूँगा रॉ अनियन, तो अब हम अनियन को सौते होने देंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाते, तो अब इसको सौते होने देते हैं। अनियन सौते हो चुके हैं, अब आई एम गोइंग टू ऐड रॉ चॉप्ड टमेटोज। और अब ये अनियन और टमेटोज पक चुके हैं, तो अभी हम इसको थोड़ा हल्का सा पकने देंगे और अब हम इसको गैस में ऑफ कर दूंगा एंड आई लेट इट स्टे जब तक ये थोड़ा कूल ना हो जाए, क्योंकि इसको ग्राइंड करना है। तो अब ये ग्रेवी ठंडी हो चुकी है जो हमने टमेटोज और अनियन को किया था सौते, अब मैं इसको डालूंगा इसमें
ग्राइंडर में। तो अब ये गरम हो चुका है, हल्की सी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगा, हल्की सी बस, थोड़ा सा कलर डालने के लिए हल्का सा। और अब मैं ऐड कर दूंगा ग्रेवी को। तो ग्रेवी कुछ ऐसी दिख रही है, इसे हम थोड़ा हल्का पकने देंगे। अब मैं इसमें कर्ड ऐड करूंगा ताकि ये थोड़ी और क्रीमी लगे। बस अगर आप लोगों के पास घर में क्रीम है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। कैसा बना अंकित भाई? बहुत टेस्टी बना है। झूठ तो नहीं बोल रहा? जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल वैसा बना है। झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा। चल ठीक है, तुझे अच्छा लगा ना बस। हाँ। आज थोड़ा मौसम साफ है, थैंक गॉड, आज हम बैडमिंटन खेल सकते हैं। और धीरे धीरे अब प्लेयर आ रहे हैं। क्या करने आए आप? खेलने आया हूँ। क्या खेलने आए हो? बैडमिंटन। कहाँ हैं आपके पापा? मेरे पापा घर में। कब आएंगे वो? वो? बताने। नहीं पता आपको? आज आपका दोस्त तो आया नहीं। कौन? कौन है आपका दोस्त? मेरे दोस्त वो तो ना भैया है, वो तो आए हुए हैं। कहाँ हैं? और चाचू आ चुके हैं। अब मैं भी जाऊंगा और अब हम डबल्स खेल लेंगे एक मैच। बहुत बार कंफ्यूज हो, मैं डर रहा हूँ।